हेलो राम राम जी, नमस्ते। राम राम और सब कैसे हो जी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारी मम्मी बना रही हैं जंगली सहंद की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। बनाते हैं जो एकदम मीठी सब्जी बनती है लौंजी। तो ये है जंगली सहंद। ये देखिए दोस्तों, ये है जंगली सहंद, इसको हमारे यहाँ पर सहंद ही बोलते हैं। और ये खेतों में इस समय बाजरा के साथ में हो जाती है अपने आप, इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हर खेत में मिल जाती है बाजरा खे में, और इतनी मीठी बनती होती है। इसको ऐसे भी खाओगे ना, इसको इस समय सूंघ के देखें तो बहुत बढ़िया खुशबू आती है। अभी ये देखो, ये पीली हो रही है, हल्की हल्की पीली से पीला सा पन है ना इसको, और ऐसे बहुत बढ़िया खुशबू है इसके अंदर। ऐसा लगता है अभी खा जाओ, और इसको हम खाई भी जाएंगे, लेकिन सब्जी बनानी है ना, नहीं तो इसको ऐसे ही खा जाए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, ये सब्जी किन किन ने खाई है और किन किन के यहाँ पे ये वाली जो मिलती है सेंध, प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, जिससे हमको भी पता चले। क्योंकि उड़ीसा में जब हम रहे थे तो ये वाली जो सेंध थी ना, इनको उड़ीसा के अंदर कोई नहीं खाता था। वहाँ पे बेल में ऐसे ही पड़ी रहती थी, ख़राब हो जाती थी, गल जाती थी। तो हम इसको खाते थे ना उड़ीसा में, तो वो लोग बोलते थे इसको मत खाओ। मेरे क्यों, ये जहर है, इसको मत खाओ। और हम खाते रहते थे, वो लोग नहीं खाते थे, लेकिन हम खाते रहते थे उठा उठा के, ऐसे ही खाते रहे, क्योंकि ये बहुत मीठी लगती है खाने में। ऐसे भी खाओ, बहुत मीठी लगती है। और बचपन में तो हम इसको इतना खाते थे कि जैसे स्कूल से आए और बस गए खेतों की तरफ, और इसी को तोड़ तोड़ के खाते रहते थे। इतना खाते थे कि मुँह छिल जाता, क्योंकि स्वाद है इसमें। आवाज़ सुनी आपने, और इसका स्वाद तो अलग ही है, कोई ककड़ी खीरा के अंदर इसका स्वाद नहीं मिलेगा। खट्टा मीठा, चलिए दोस्तों अभी इनकी हम सब्जी बनवाते हैं मम्मी पे। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इनको छील लेंगे। तो अभी इनका ऊपर का जो बकला है उसको निकाल रही है मम्मी जी, और इस तरीके से, और ऐसे हल्के हल्का छील लेंगे। दोस्तों ये मत बोलना कि वो किचन झूठी कर दी। देखो किचन तो अंदर है हमारी अभी तो बाहर तो ऐसे ही है, मम्मी सब्जी काट रही हैं और बच्चे तो ऐसे ही कुछ ना कुछ उठा के खाते रहते हैं। ये देखो पूड़ी भी बन गई सुबह सुबह, गरम गरम पूड़ी खाइए अभी बच्चों के लिए बना दिए, स्कूल जा रहे हैं ना, तो जल्दी ये ही बन जाएंगी, इसी को बना दो। हाँ आ जाएंगे, दूध पूरी खाते हैं वैसे। तो इस तरीके से हम अपनी जो भी हमारी जितनी भी सेंध है इनको छील लेंगे, साफ कर लेंगे, उसके बाद पानी में धोएंगे। तो 500 ग्राम के करीब सेंध है ये, और 500 ग्राम सेंध के लिए इधर सोनी ने ले ली है 2 हरी मिर्ची, वो भी कितनी बड़ी बड़ी है, ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी हरी मिर्ची हैं। तो इनको बारीक कटिंग कर लेंगे बीच में से फाड़ के। आज दोनों सास बहू लगी हैं सब्जी बनाने में, जिससे जल्दी खाना बन के फ्री हो जाए, क्योंकि आज हमको बनानी है बहुत ही बढ़िया अलग से एक रेसिपी। तो उसके लिए चाहिए टाइम, और बस वो सरप्राइज़ है आपके लिए, क्योंकि आप सभी वो रेसिपी का एक साल से वेट कर रहे हो। वैसे ये वाला तरीका है छीलने का सेंध का, और आम का है, आम छीले जैसे सेंध छील रही है सोनी। पहले से ज़्यादा बहुत टाइम लगेगा, मम्मी ने वैसे छील ली, हाल छिल गई। अभी छीलने के बाद में इनको अच्छे से साफ कर लेंगे पानी में, और अभी इनकी हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग गोल गोल कटिंग कर देंगे। और अभी देखिए हमारी जो सेंध है पूरा कटिंग हो गया है, कितनी मस्त लग रही है ना।
और हमने लिए यहाँ पे कितने, एक चम्मच सौंफ है, एक चम्मच सौंफ लिए और इसको पाउडर बना लेंगे कूट कूट के खल्लड़ में। मम्मी ने कढ़ाई रख दी, मसाले कट गए सब, मिर्ची वगैरह आई है, और क्या काटना है, लहसुन प्याज नहीं डलेगी, बिना लहसुन प्याज के बनेगी। तो अभी हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया और हरी मिर्ची भी डाल दी, और लहसुन का मना बोल रहे थे लेकिन लहसुन थोड़ा सा रखा था हमारा छिला हुआ सुबह का, तो उसी में से वो डाल दिया लहसुन भी, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन रखा था हमारा इसलिए डाल दिया है। अभी सेंध भी डाल दी, और ये मसाला कब डालेगा, आधी आधी चम्मच, और ये हमने डाल दी सौंफ जो सोनी ने कूट के तैयार कर दी, और ये आधा आधा चम्मच हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँ, तो ये डल गई तीनों आइटम। और नमक वगैरह कब डलेगा दोस्तों, सब्जी इतनी गजब की बनेगी कि ये इसको बनाने के बाद बस रखने की देर है, कब ख़त्म हो गई ये पता ही नहीं चलेगा। अब का नमक डलेगा, नमक, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ऐसे आधा ही चम्मच से कम डाला है। सब्जी तो मस्त लग रही है देखने में, इसमें से खुशबू भी काफ़ी गजब की आ रही है दोस्तों। और इसमें डलेगा पानी, तो पानी कितना डाल दिया है, आधा लीटर, 250 ग्राम पानी डाल दिया है, एक गिलास पानी। अभी इसको ढक के रख देंगे। अब इसमें चीनी कब डलेगी, मम्मी ने इधर आटा लगा के रख दिया, अभी चीनी नहीं डाली दोस्तों, अभी चीनी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, हमारी जो अब तो उबल गई होंगी हैं, जब हमारी जो सेंध है ना थोड़ी सी बन जाती हैं, उबल जाती हैं, जब डालते चीनी। सोनी के तो इधर कपड़े धुल रहे हैं, ये इधर कपड़े धुलने में लग गई है। अभी हम डाल देंगे सब्जी में चीनी, क्योंकि हाँ इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी हमने, थोड़ी सी और डालेंगे, तो इसमें हमने डाल दी करीब एक कटोरी चीनी डाल दी है, इसको मिला लेंगे अच्छे से, बस अभी चीनी को घुलने दो। और देखो हमने चीनी कब डाली है, हमारी जो सेंध है देखो एकदम बढ़िया से सब्जी बन चुकी है, जब हमने डाली है चीनी, ये देखो बन चुकी है सब्जी कंप्लीट। जब सब्जी बन जाए जब ही चीनी डालनी है। मम्मी अब कितनी देर तक खोलेंगे, चीनी घुल जाएगी उसके बाद हम उतार देंगे, हमारी सब्जी बन के हो गई तैयार। दोस्तों अभी हमारी सब्जी बन चुकी है परफेक्ट, ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन तैयार हुई है, और इसका स्वाद तो आपको क्या ही बताएं, बहुत गजब की है, ये देखो। अभी गैस बंद कर देंगे, बस अब इसको ठंडा होने दो, रोटी बनने दो, उसके बाद में स्वाद भी बताएंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमारी मम्मी टेस्ट करके देख रही हैं सब्जी का स्वाद कैसा है ना, का कितना स्वाद है इसका, खट्टा मीठा नमकीन सब स्वाद है, मम्मी मीठी है ही सही, बढ़िया लौंजी बनी है, बढ़िया बनी है लौंजी। अभी हमारे पापा जी को तो वैसे भी काफ़ी पसंद है लौंजी, खुश हो जाएंगे, आम की से भी और बढ़िया बनी है, आम की भी लौंजी फैल हो गई इसके आगे। अम्मा सब्जी कैसी बनी है, सेंध की लौंजी है, कैसी बनी है, पसीना लग रहा, रोटी खाता हूँ। मम्मी तो मुरब्बा समझो, अरे पता ना ऐसा स्वाद आ रहा है, मुरब्बा कोसो, हरीरा कोसो, सेंध कोसो, कई स्वाद आ रहे हैं। दोस्तों आज की सब्जी की तारीफ सबने की, काफी गजब की बनी, एकदम स्वादिष्ट। मम्मी तो हमारी ये बोल रही थी, मेरे को तो पता नहीं कौन कौन से स्वाद आ रहे हैं इसमें,
गजब का स्वाद आ रहा है, इतनी स्वादिष्ट। दोस्तों ये आसानी से मिल जाती है बाजराओं के खेतों में, इस समय हो जाती हैं, और सब्जी मंडी में भी मिल जाती हैं, वहाँ भी 10-20 रुपए किलो मिल जाती हैं, तो आराम से ला सकते हैं। और एक बार ये मीठी वाली जो सब्जी बनाई लौंजी, ऐसे बना के ट्राई कीजिए और फिर आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम दो सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।